एमे फोन कईला पर एकु पैसा ना लागी। एसई पछिको अध्ययनको लागि चिन्ता, अब ढुक्क हुनुहोस्। हजुर, विगत दुई दशक देखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस सेन्ट जेभियर्स माविले यही नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 साइन्स, एग्रिकल्चर, म्यानेजमेन्ट र लमा एडमिसनका लागि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्मका लागि सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल बिरगन्जको फेसबुक पेजमा गएर अनलाइन एडमिसन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। सिट्स आर लिमिटेड, सो हरी अप। फर मोर डिटेल्स प्लिज कन्ट्याक्ट अस। सेन्ट जेभियर सेकेन्डरी स्कुल म्यानेज बाइ बुद्ध फाउन्डेसन, पावर हाउस बिरगन्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अपोजिटमा। सम्पर्क नम्बर 0551533007 र मोबाइल नम्बर 98550 36235। बिरगन्ज कलेज प्राउडली अनाउन्सेस अनलाइन एडमिसन इन्टेक फर प्लस टू इन म्यानेजमेन्ट, ल, एजुकेसन एन्ड जर्नलिजम फर द एकाडेमिक इयर 2077। 100% स्कलरसिप सुविधा भएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त बिरगन्ज कलेजले शैक्षिक सत्र 2077 का लागि अनलाइन एडमिसन खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्म www.birganskolej.com अथवा बिरगन्ज कलेज प्राइभेट लिमिटेडको एप डाउनलोड गरी पनि भर्न सक्नुहुनेछ। सुविधा सम्पन्न यस बिरगन्ज कलेजमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कशप र इन्डस्ट्रियल टुरको फेसिलिटी, वेल म्यानेज क्लासरूम, यातायातको सुविधा भएको रेगुलर इन्टरनल इभ्यालुएसन, एक्जामिनेसन, वेल क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स फ्याकल्टी मेम्बरद्वारा अध्यापन गराइन्छ, साथै जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी। मर्निङ डे र इभिनिङ सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। संस्कार सहितको शिक्षाका लागि सम्पर्क बिरगन्ज कलेज प्राली, श्रीपुर 11 बिरगन्ज। सम्पर्क नम्बर 0551533060, मोबाइल नम्बर 98550 26705 र 98550 28388। आफ्टर एसई के पढ्ने? खै के पढ्ने? एजुकेशनमा कन्फ्युजन? त्यसमाथि आजको प्रतिस्पर्धात्मक युग, व्हाट्स अबाउट टेक्निकल एजुकेशन? टेक्निकल एजुकेशन स्वदेश वा विदेश, जहाँ कहीँ रोजगारीको लागि सही शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। विगत दुई दशकदेखि सञ्चालित तराईकै बेस्ट टेक्निकल इन्स्टिट्युट बीआईटी कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अनलाइन र प्री रेजिस्ट्रेसन खुल्ला गरेको सहर्ष जानकारी गर्दछौ। बिरगन्ज इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी बीआईटीमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, त्यस्तै डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन मेकानिकल इन्जिनियरिङ, अर्थात् 3 वर्ष सब इन्जिनियरिङ कोर्स, साथै महिला विद्यार्थीहरूका लागि विशेष स्कलरसिप। फर मोर डिटेल्स बिरगन्ज इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, चिनी मिल आवास क्षेत्र अगाडि बिरगन्ज। 0551582020 र मोबाइल नम्बर 98029046076। कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ हल्का, कुछ गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब इहे बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संघ के सीधा दंगल कार्यक्रम आमने सामने। साता के साते दिन सुबह 7:30 से 8 बजे तक कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के। रेडियो सानवी 96.4 MHz के तरंग में तरंगित होके वाला हरेक दिन बिहानी आवे वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम अपने ही के दोस्त मनोज पटेल हाजिर हो गेल बानी। और हमने जनता संघे सरकार रखे वाला विषय वस्तु पर हरेक दिन चर्चा परिचर्चा करते आ रहा बानी। चाहे हरेक क्षेत्र के व्यक्तित्व लोग से हमने बातचीत कर रहा बानी, सामाजिक क्षेत्र के व्यक्तित्व से, राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तित्व से, जनप्रतिनिधि लोग से, हरेक लोग से हमने बातचीत करते आ रहा बानी। और जनता के विकास निर्माण से लेके रूढ़िवादी, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब विषय पर हमनी के कड़ा पहर दे रहल बानी, प्रहार कर रहल बानी हमनी। और जनता के प्रश्न के जवाब हमनी के अतिथि लोग के सामने रख के सीधा प्रश्न के सीधा जवाब हमनी खोजते आ रहल बानी। आज के कार्यक्रम में हमनी के जनता के जवाब देवे खातिर हमनी के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हमनी संगे जुड़ चुकल बानी संघीय सांसद प्रदीप यादव जी। वहाँ परसा जिला के चर्चित नेता और निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से संघीय सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य में वहाँ चुनाइल बानी। आयल जाओ आज के छलफल में हम उनकरा संगे अपने लोग के जिज्ञासा, जनता लोग के विषय वस्तु, बाजार में चलल चर्चा परिचर्चा के विषय में हम उनकरा से बातचीत करें। सबसे पहले हमने प्रदीप यादव जी के हमनी के कार्यक्रम में स्वागत करके चाहे प्रदीप जी अपने के हमनी के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में स्वागत बा। धन्यवाद प्रदीप जी। पिछलका समय अपने के कैसन बीत रहल बा?
पिछलका समय में हमारे या अपने या संपूर्ण जनता के दुखदायी नहीं बीता था। जी जी। अभी कोरोना के कहर बा, कोरोना के कहर में करी करी जनता दुखी बात, हमने सबके दुखी बानी सन, सब पीड़ा में बानी सन। जी अपने खुद एगो कोरोना जनता के सेवा करे के क्रम में कोरोना संक्रमित होके आछा भइल बानी। जी जी जी। संक्षिप्त रूप में जनता लोग के ई बताई कि कितना कोरोना से डराइल जरूरी बाकी सचेत भइल जरूरी बाकी का जरूरी बा, अपने एगो कोरोना एगो पॉजिटिव होके भी अपने आछा भइल बानी। देखिए यहाँ पे दो तीन किस्म के बात बा, बहुत लोग कहता कोरोना कुछ ना रुका खोकी है ना। जी जी। तब ये सब बात गलत है, कोरोना अगर कुछ ना रही तो दुनिया काहे लड़ित कोरोना से। जी जी जी। आज पूरा सारा शक्तिशाली देश कोरोना से हार गई बा, अभी ना कोरोना से एकदम तबाह बा। जी जी। हमें जैसे ही वो गरीब देश अभी ना जो के कोनो भी स्वास्थ्य उपकरण देश में उतना नहीं गए जौन मैंने आदमी के बचाव जा सके, अस्पताल का अवस्था बहुत दयनीय बा, कमजोर बा, ऐसे कोरोना कहल एक खतरनाक बीमारी हो अभी ना। लेकिन एक से सचेत रहे के बाद एक से घबराए के नहीं के, एक डराए के नहीं के, लेकिन एक के मैंने अटेर भी नहीं के करे के, अटेर करके अब जाके अपने मास्क न लगाई, अपने जाके भीड़ भाड़ के भीतर ढुकी, तो भीड़ भाड़ ढुक में जाए के बाद कम से कम मास्क लगाई, सैनिटाइजर का प्रयोग करी, ये सब कल जरूरी बा। मास्क तो कब्बो मत उतारी, मास्क ही संजीवनी बूटी है। लेकिन जिला प्रशासन कार्यालय 12 नो मास्क नो मूव के नीति लेके आयल और थोड़ा बाजार के सहज कैलक, ओकरा के काज नीचे दागे के थोड़ा कमजोर कैलक, लेकिन परसा जिला में भीड़ भाड़ और अपने देख रहल बानी कि यहाँ व्यवस्थित रूप में नहीं के होके सकल, कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन चूक रहल बा। तो फिर अब चार बार के मौसम भी आ रहल बा, एमे उछाल आवे के संभावना कितना देखतनी अपने? देखिए अभी और खतरनाक दिन आ सकेला हमने के, जैसे चार बार आ रहा बा, दसई आ रहा बा अगे ना, और अपने लक्ष्मी पूजा आ रहा बा, चार बार में कहा ज्यादा भीड़ हुई, छठ पूजा आ रहा बा तो ज्यादा भीड़ भाड़ हुई, अगर वैक्सीन लेके आवत उस तक ले तो हमने के ज्यादा भी खतरनाक हो सकेला, ऐसे हमें सचेत रहल बहुत जरूरी बा। स्थानीय प्रशासन भी चनाखो होके जनता के सूचना देवे के, अपने पत्रकार के मार्फत रेडियो के मार्फत सूचना देवे के, पत्रिका के मार्फत सूचना देवे के, और जनता के सचेत कराओ के, मैकिंग करे के, ये काम कल अभी जरूरी बा। अभी भी सचेत ना हो गए, अच्छा जाए कि बीरगंज से कोरोना अब चल गई बहुत कम हो गई बा, तो फिर भी पलटी मार सकेला, आज देखिए काठमांडू तबाह बा, घूम रहा बा ना, तो घूम रहा बा, कल बीरगंज में अटैक भइल, आज काठमांडू में अटैक हो रहा बा, फिर उल्टा भी आ सकेला ना, सीमा खुला बा, सीमा हो जाते ऐसा के बा अभी ना, ऐसे अभी सचेत रहल जरूरी बा, नागरिक के सचेत करावल भी जरूरी बा, अपन सचेत रहते हुए नागरिक के सचेत करावल बहुत जरूरी बा। अभी प्रदीप जी जैसे कि दिन ठीक नहीं कहे, ऐसा नहीं कहे कि आवला दिन बहुत अच्छा बा, जब तक वैक्सीन नहीं के आवत तब तक ले हमने के नागरिक के सचेत कराओ के, नागरिक के बचाव के काम हमने के बा, ठीक बा, अपने के लॉकडाउन खुलल जरूरी रहे ताकि नागरिक भूखे मर जाए, जी अच्छा बात है, लेकिन नागरिक के सचेत करावल जरूरी बा, सामाजिक दूरी कायम रखे के, सैनिटाइजर प्रयोग करे के, मास्क लगावे के, ये सब चीज सचेत करावल बहुत जरूरी। प्रदीप जी अपने कहनी है कि पूरा विश्व एकरा से फेल हो रहा बा, लड़े सके में कहीं ना कहीं असक्षम हो रहा बा, विश्व के शक्तिमान देश जहाँ एकदम स्रोत साधन संपन्न हरेक हिसाब से, आर्थिक और स्वास्थ्य के अवस्था भी वहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र के अवस्था ऊपर लेवल में बा, उ लोग भी हार रहा बा, नेपाल भी उसे अछूता नहीं के, नेपाल भी हार रहा बा, नेपाल सरकार के ऊपर भी अपने लोग भी खुद आरोप लगा रहा बानी कि काम नहीं कर सकल कोरोना नियंत्रण के, लेकिन सहज होते मातर पिछिलका बार हमने क्या देखनी कि नेपाल सरकार थोड़ा सहज होते मातर कर उठावे के, जब नेपाल सरकार के नीति रहे वो लोग तुरंत सूचना निकाल के कर बुझावनु पड़े, कर देवे के परल कह के सूचना निकाल दिल, कुछ दिन के बाद में विरोध भइल तो फेन बैक भी हो गई, लेकिन फिर कर उठावे में सरकार आगे देख रहा बा, जैसे कि अपने लोग काल परसों एगो आंदोलन भी, अपने लोग आंदोलन में भी बानी, विद्युत प्राधिकरण जोन बंद के लेवल समय में भी परसा जिला के जनता से कर सब वसूली कर रहा बा, ऐसा सब गतिविधि हो रहा बा, एक विरोध में बानी अपने का कहे के चाहें, सरकार के अपने मतलब सांसद भी बानी अपने वहाँ का आवाज उठा रहा बानी सरकार के बीच में, और परसा जनता परसा जिला के जनता के का कहे के चाहें? देखिए एक तो बात कहा कि ये सरकार जनता के जनमारा सरकार हो गई बा, जनता के राहत देवे के बदला में जनता के मारे वाला काम भी सरकार कर रहा बा। ये सरकार सबसे पहले कहा बा, जब से कोरोना के कहर शुरू भई दुनिया में और नेपाल में भी जब आई कोरोना, ओकरा बाद में ये सरकार अपने पार्टी के झगड़ा में उलझ गई, और उलझला के चलते कहा बोले कि जनता पर ध्यान ना देके सरकार केला के बचो, हम केला के बची, मंत्री केला सुरक्षित हो को, प्रधानमंत्री केला का सुरक्षित हो को, एमे ला गई, ऐसे ही सरकार जनता प्रति कौन को उदारदायिता ना देखेलक, उल्टे अपने देखल अर्थमंत्री ऐसा बनैलक हालांकि तो हट गए अभी,
ये उपाय है कि मैं जनता के लूट ली केला का बालू अलग कर वसूली केला का टैक्स वसूली केला का जनता के घेरी केला के व्यापारी के यहाँ का मारी राहत देवे के बदला में धन ऊपर से पीड़ा पीड़ा थोपे वाला काम इस सरकार को। प्रदीप जी सबसे बड़का नेपाल के सबसे बड़का कॉरिडोर बीरगंज में बा अपने पर्सा जिला के एगो मेन हट माने वाला क्षेत्र नंबर एक से अपने सांसद बनी तो यहाँ के व्यापारी लोग के यहाँ के जनता लोग के अपने यहाँ के किसान लोग के आवाज सदन में कैसे उठा रहा बानी उन लोग के भी अपने घेरे नहीं सक रहा अपने लोग प्रतिपक्ष में भी बानी नेपाली कांग्रेस अपने के समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी लगायत के पार्टी सब सरकार के दबाव काहे नहीं के देवे सक रहा। एक तो कहा कि अभी संघीय संसद बंद बा जी जी हमनी के संसद के आवाज संघीय संसद के मार्फत सरकार लगे जाला जी 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 और संघीय संसद महीनों महीनों बीत गई अभी बंद बा सरकार जबरदस्ती बंद कर दिलक ताकि अपने मालूम भाई प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट निर्णय करके सूचना कर दिलन की संसद बंद रही कारण कहा उनका अटैक होके जी जी संसद भीतर अटैक होके उनका कमी कमजोरी संसद के भीतर के नंगा कर जाए तो प्लान हुए से डिजाइन हुए से संघीय संसद के बंद कर दलन सिफारिश कर दलन बंद करेगा और नियम बा संविधान में भी उल्लेख उल्लेख बा अभी ना कि कैबिनेट के डिसीजन के बाद में राष्ट्रपति प्रमाणित करने के भेज दी कि बंद रही अभी ना तो बंद हो गई बंद भेला के बाद हमने कहा तो संसद में जाइए लेकिन जब खुला रहे तब के अपने हुआ अभी ऑनलाइन में हुआ संघीय संसद के निकाल के देख ली कि हम कब कम सरकार पर नहीं घेर ले कब सरकार पर अटैक नहीं कर ले जनता के हक हित के बारे में कम नहीं बोला जाए किसान के मुद्दा को चाहे कर के मुद्दा को चाहे अपने के विकास के मुद्दा हो को चाहे कोविड के मुद्दा हो को सारा मुद्दा पर हम सरकार के घेरे के हम प्रयास कर ले बानी और एक पटक ना पटक पटक पार्लियामेंट में बोल बानी और हमनी का आवाज तो संसद का आवाज तो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट में बोल पड़ला अरे ना और मीडिया भी अपने देश के कैसन मीडिया लोग बाग काठमांडू को चश्मा से देखे वाला मीडिया वहां भी कहा पार्टी विवेज में लोग बटाइल बा हमनी का आवाज अगर मीडिया में जाकर अभी बोलल जाऊं तो वहां पार्टी विवेज से पहले डिलीट कर दिल वहां कहता यहाँ स्थानीय में मीडिया लोग लिखेला लेकिन वहाँ सरकार पहुंचावे ला मीडिया वो लोग बेईमानी करेला ये भी देख ले प्रदीप जी अब जल्दी ना बोलेला जी 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 प्रदीप जी यथार्थ बात और सच्चाई बात हो गया बहुत कम कम हमनी का आवाज सरकार लग पहुंच लेकिन पार्लियामेंट ने बोला आवाज तो पहुंचेला संविधान में उल्लेख चीज बा ऐसे भी संविधान क्या बोला अपने के जन संविधान के मैंने फेलियर कराओगे वो डिजाइन जन बन रहा बा मैंने इस सरकार से वो मैं देख रहा बनी सन कि ये जोन मैंने अपने संघीयता के सॉरी संघीयता के जो फेलियर कराओगे ये वो जो डिजाइन बन रहा इस सरकार के ये बहुत हमें प्रकार के खेल बा प्रदीप जी उस समय बा अपने लोग प्रदीप जी में वो ऐसा ऑल्टर बनल कि प्रदीप जी हम अपने के 70-80% जनता इस संविधान के मन लेने के प्रदीप जी चीज अपने कहनी है संघीयता के फेलियर करे के काम हो रहा बा चीज संभव बा अपने लोग एगो बहुत दो तीन गो पार्टी मिला के अपने लोग एगो केंद्रीय पार्टी के रूप में आगे बढ़ रहा बनी और अपने के पार्टी खुद संघीयता के एगो बहुत पक्षधर बड़का पक्षधर पार्टी रहा बा तो ये बात तो अपने कहतनी कि फेलियर होके के अपने लोग फेलियर होके दे एगो बात समझ ली जान रही या ना रही लेकिन संघीयता रही और संघीयता राखे ला हमने के कुछ भी करे के तैयार बनी सन एक कदम पीछे हमने ना हटे सन और दुनिया के कौन ऐसा ताकत नहीं के संघीयता के हटा सके या डिजाइन सब फेल हो जाए सरकार के डिजाइन प्रदीप जी अपने लोग सरकार के हमने जन कमजोर करे के जन प्रयास कर रहा भाई सरकार जन 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 जनता के जन पीड़ा थोप रहा भाई का ऐसा कर रहा कर पकड़ का ऐसे कर रहा बा संघीयता के फेल करावे जनता समझी कि इस संघीयता के चलते ऐसा होता जी 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 प्रदीप जी अब जैसे कि सदन अभिन बंद बा सदन अभिन बंद बा अपने लोग सड़क में आ गए बनी सड़क से अपने लोग के आवाज मांग रहा बनी जैसे कि विद्युत प्राधिकरण बीरगंज वितरण केंद्र में अपने के पार्टी के अगुवाई में अपने लगायत के नेता लोग धरना में अपने लोग बैठनी का मांग रहे आज तीन दिन हो गए कुछों में कार्यान्वयन के पहल हो रहा बाकी और विषय वस्तु का रहे हमनी के रेडियो सुन रहा तमाम परसा जिला बारा जिला के रौतहट जिला के हमनी के जनता के अपने बताई हमने के तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ईश्वर चंद्र यादव जी के आह्वान रहे कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अनावश्यक कर ले रहा बा ऊपर हमने के जनता समाजवादी पार्टी तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी के संपूर्ण नेतागण हम रही या प्रदेश सांसद जी या जिला अध्यक्ष जी जिला सचिव जी केंद्रीय सदस्य जी लोग पार्टी का युवा विद्यार्थी लगाए के हमने के जाकर धरना देनी से धरना ऐसे देनी सन कि अपने के मालूम हो कि लॉकडाउन जब से भइल
जी जी एगो सम्मानीय सर्वोच्च अदालत एगो नीतिगत निर्णय कैलक जो निर्णय के 3 करोड़ नेपाली जनता स्वागत कैलक जो लॉकडाउन के अवधि के 0 अवधि मानल जाये जी जी जबकि सम्मानीय सर्वोच्च अदालत सबके मैंने बीच के एगो माध्यम वर्ग की बहुत बढ़िया रास्ता निकललक जो लॉकडाउन के अवधि 0 आवर मानल जाये जी 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 तो 0 आवर जो मानल जाये तो रोवा लॉकडाउन अभी खत्म होता आज आ 7 दिन बाद कहता नहीं कि 7 दिन बाद सूचना कर छू ले आ पैसा जमा करो तो बोरा में लोग पैसा कस के रख लगा घर में मधेश के लोग इलाके बुझा दी आने तो 25% कर लेम रे टैक्स अतिरिक्त टैक्स लेम रे ज्यादा बिल उठलवा 5 रुपया तो 25% जोड़ के लेम रे बिल्कुल के ई नेपाल विद्युत प्राधिकरण और लेवे लागल पैसा जी 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 एक्स्ट्रा पैसा लेवे लागल 25% जनता के असूले लागल जनता के जनगुनासो वाले मिल लगे बाड़ा के जनता परसा के जनता बिजनेस वासी जनगुनासो भाई कि अपने लोग रहते हुए 25% कर उस रहते कहाँ से पैसा लिया सर एक बैग इतना जल्दी समझ जाए 7 कते भीतर बुझाऊ पैसा 7 कते भीतर बुझाए ना बने 25% लिंक छू और 25% लेवे लागल तो क्या कमिटमेंट आई लव जनता जवन जनता जैसे कि कुछ जनता लोग बुझा दे जी जी कम्प्लीट कर दी अभी हमने के लागल कि एकदम अन्याय हो रहा है जनता के ऊपर जनता के नोचे वाला काम हो रहा बा एक तो जनता लॉकडाउन से मर रहा बा बाद में टैक्स लाट लाट के मारल जाता और मधेश के जनता के और पर यहाँ गरीबी हालत बा 10% लोग पैसा वाला हुई 90% तो गरीबी है बनी यहाँ कहाँ से पैसा ले आई बोरा में कसो तो रख लेने के लिए आई तो हमें जाके धरना में बैठनी सन और जाना के नतीजा के 2 घंटा के भीतर में अपन निर्णय सचिया को पड़ल यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण के हाकिम शंभु यादव जी अपन निर्णय सचेलन और सूचना जारी कैलन कि जो हम 25% पैसा ले बनी ओकरा के दोसर बिल में मिना करें अगर हमने ना जाके धरना देती सन अगर ना जाके घेरती सन तो पैसा तो असूलतन ये फिर तो ना करतन इनका तो नियत खराब रहे या ऊपर से इनका के वही गाइड कर गई रहे प्रदीप जी अब जैसे कि अपने लोग धारणा दिली अपने लोग के धारणा बहुत अच्छा रहे जनता के ही खातिर अपने लोग राजनीति करता नहीं और जनता के हक अधिकार और जहां जनता के पीर मरका बा वहां अपने लोग खड़ा भइनी ये बहुत ही अच्छा बात रहे लेकिन एगो कोरोना महामारी के वक्त में अपने लोग ऐसा राजनीतिक दल जौन जनता के जागरण में अपने लोग ले आ रहा बानी एगो भौतिक दूरी कायम मास्क बिना मास्क मूव ना करे के भीड़ भाड़ ना करे के अपने लोग के ओमे भी एगो मांग रहे कि लाइन के व्यवस्थित पार्किंग के व्यवस्थित विद्युत प्राधिकरण में जोन भीड़ भाड़ हो रहा बा अपने देखा था नहीं कि जिला प्रशासन कार्यालय में भी जिला प्रशासन खुद परसा जिला के एगो प्रमुख सरकारी निकाय जिला प्रशासन कार्यालय में भी भीड़ भाड़ उतने बा वहाँ कोनो भौतिक दूरी कायम नहीं के करा रहा लोग स्थानीय प्रशासन कोनो भौतिक दूरी नहीं के कायम करावत अपने लोग ऐसा संसद भी भौतिक दूरी बिना कार्यक्रम अगर पड़ी तो ऐसे कोनो प्रभाव जनता के का पड़ी एकरा विषय में भी अपने बताई तंका देखिए एगो सबसे पहले बात कहा बाकी हम दूसरी को बात कहे चाहते नहीं जी जी नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पहले बात हम कम्प्लीट करे चाहते नहीं जी 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 अपने मालूम बा की बिजनेस में अभी पटक पटक लाइन काटा जी जी है ना जी जी कुल मांझी के लंद लाइन ना काटा है कुल मांझी के हट्टे में लाइन काटा है एमे कहीं ना कहीं कुल मांझी का हमने कुल मांझी का विरोधी ना है वो नेपाल सरकार के काम है की कुल मांझी रखेंगे सुल मांझी रखे उनका काम है ना उराकस हमने के जनता के सेवा सुविधा अच्छा हो गई चाहिए हमने के जन 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 प्रकार के अभी अघोषित लोड सेटिंग कही जाता ना हो के चाहे हमने के बात है ना ऐसे अब कुल मान जी रखोस लेकिन लोड सेटिंग ना हो के चाहे ना रखोस हमने कोई मतलब नहीं के सरकार के काम हो अब कुल मान जी के जाते माथे को डिजाइन तरीका से घंटों लाइन काटा जाता अघोषित रूप में लोड सेटिंग 10 बजे काटा जाता का हो कारण का हाकिम को बताओ को पड़ी जी जी तो अघोषित लोड सेटिंग का है वो भी हमने का मांग रहे हैं अपने देखो तो पार्किंग बुझा तो रोड पर सब आप यहाँ से वहां तक पार्किंग कही तो रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाए दुर्घटना हो जाए जब आप कह दी जी जी वो मैं जगह दबा रहे पीछे ये वो दबाल टूट के कौन वाला जो अपने पावर हाउस चौक से लक्ष्मणवा जाता कोरोना लोग टूट दे गए और माटी उटी भर के फिलिंग करके थोड़ा सा कलवट बना दिया है तो मैं भीतर पार्किंग हजारों हजार साइकिल मोटरसाइकिल आट जाए पार्किंग मोटरसाइकिल चोरी हो जाए वहाँ रोड पर से कौन ले जाए स्नाइकर चोर लगा के कमी नहीं के धान बेचे वाला कृषक कहाँ से 3-3 लाख की मोटरसाइकिल किनी वही समस्या बा सबके विषय में हमने वहाँ अपन धरना देने से मांग करी सन और कहले बन ये चीज जल्दी हम खत्म करें बचवन रहल बात कि अपने के यहाँ सामाजिक दूरी कायम करके बात रखनी कोरोना एकदम सही बात है
अपने के बात एकदम सत्य बात है कि सामाजिक दूरी कायम हमने के रखे पड़ी, हमने की भी सचेत रहे पड़ी, जनता भी सचेत रहे जिला अपने अपने लोग एगो जनता के अपने लोग एगो जनता के आइडियल पर्सन बनी, अपने लोग जो व्यवहार करें जनता भी ओकरा के लागू करी। हम तो लेकिन जनता भी का अगली बार हवरा जाता जी जी हवरा के जाके एकदम कह जाता था हट कर रह गए लेकिन जाके सट जाता पटक पटक कह जाता लेकिन जाके सट जाता। वहां भी हमने की जनता के पटक पटक सचेत कराव पड़ी, आग्रह करे पड़ी, अनुरोध करे पड़ी कि कम से कम हमने के अपना जान लाए अपन प्राण लाए अपन अपन परिवार लाए कम से कम सामाजिक दूरी काम करके रहल जा तो सचेत हमने करावे के पड़ी। और जहाँ जौन संस्था से चाहे प्रमुख जिला अधिकारी से हो विद्युत प्राधिकरण से हो हमारा से हो जिन कमी होता है कमी हमने के दूर करे के पड़ी और जनता के सचेत करावे पड़ी। प्रदीप जी अब जैसे कि बहुत अच्छा मुद्दा रहे लेकिन विकास के भी मुद्दा बा, अपने के क्षेत्र के अपने टोल टोल में वार्ड वार्ड में अपने घूमिने, महानगर पालिका के भी वार्ड सब अपने के टोला में अपने के क्षेत्र में पड़ेला, ये विकास से अपने संतुष्टि बानी? घंटा घर से पावर हाउस के जौन रोड बा हरेक साल बनेला हरेक साल पुट जाला, ओमे बजट लाखों रुपया खर्च हो जाला, हाईवे के रोड देखी हाईवे के रोड कभी भी ना फूटेला, अपने लोग के यहाँ सरकारी स्थानीय सरकार में भी अपने लोग के सरकार बा अपने लोग के पार्टी के सरकार बा। अब बरसा जिला के वार्ड सब के अगर स्थिति देखल जाओ तो ऐसा लागेला कि महानगर पालिका ना, महानगर पालिका जौन एगो मापदंड एगो विकास के जौन होके के चाहे जनता जौन आशा रखेला ओमे तो कुछ मापदंड अपने लोग पूरा नहीं की कर रहा, कहीं ना कहीं अपने अपने के पार्टी अपने खुद सांसद बनी अपने चूक रहा बनी, क्या बताएं अपने में विषय में अपने के प्रतिक्रिया का बा? सांसद के काम और कर्तव्य का हाँ अपने के मालूम बा जी जी अपने से ज्यादा मैंने अपने हमारा कुछ ज्यादा बताओ के ना पड़ी जी जी जी। सांसद का अधिकार क्षेत्र का हाँ अपने के हमारा बताओ ना पड़ी, सांसद के कर्तव्य बा का हाँ अपने हमी का कर्तव्य इतने है कि जहाँ गलत होता है वहाँ हल्ला करेंगे जी जी जी, जी हम लगे सरकार देखे दू गो पैसा 4 करोड़ रुपया बजट दिले बा तो देख ली मैंने बॉर्डर सीमा से लेके जी जी ना जंगल तक हमर क्षेत्र बा जी ना जी जी जंगल के भीतर तक पेटी तक रामबन तक हमर क्षेत्र बा अभी ना इस्लामपुर बेलवा तक हमर क्षेत्र बा जी जी नहीं जंगल के भीतर लेके मिलन चौक भीतर तक ले हमर क्षेत्र बा आने भंसार तक हमर क्षेत्र बा अभी ना जी जी 4 करोड़ रुपया हाथी के मुंह में जीरा यानी कि सांझ और भी हमने की जगह सिर्फ बजट हमने के विनियोजन करे का काम नगर पालिका करे ला हमने के सारा काम जी जी ना जी जी हमने के करे के अधिकार नहीं के सिर्फ बजट छुट्टिया के काम भाई। लेकिन वहाँ भी अपने के कम से कम संघ में अपने के सरकार नहीं है कंप्लीट कर दी अपने भी क्या बने बीरगंज नगर पालिका का अपने सिर्फ गंडक तक देख ली जी 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 अपने घंटागढ़ पावर हाउस चौक देखा था नहीं जी जी अभी ना पावर हाउस है अपने शंकराचार्य गेट लगे अपने ध्यान जाला पत्रकार लोग भी गाँव में एक बजे जाकर देखी एक बजे जाकर लाल पर्चा का अवस्था देखी एक बजे चोरनी का अवस्था देखी एक बजे बेलवा का अवस्था देखी जाके इस्लामपुर का टापू बा अभी बीरगंज महानगर में इस्लामपुर बा जी जी इस्लामपुर में एक अवसर पानी आ जाए तो क्यों चल जाए वहाँ पैदल ना जा सकी तो अपने तो नीति निर्माण लेवल में बानी अपने निर्देशनात्मक अवस्था में अपने निर्देशनात्मक पद में बानी निर्देशन करी कंप्लीट कर दी मनोज जी 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 ये अवस्था महानगर पालिका के बा महानगर पालिका बन गई एगो साफा कर नाला जी जी वो गाँव में जाके देखा दी ये चाहे मनियारी होके चाहे लाल पड़का होके हरपतगंज होके परसौनी होके अपने के जगन्नाथपुर होके अपने के बेलवा होके अपने के बगई होके अपने के बसिलुआ होके मुसैली होके एको गो वहाँ नाला साफ करे वाला सफाई कर्मी या फोर उठावे वाला नगर पालिका के सफाई कर्मी हमरा के देखा दी अपने हम अपने के जौन सजा करे भोगे के तैयार महानगर पालिका तो बनल जी जी लेकिन सरकार जबरदस्ती बीरगंज नगर पालिका के महानगर पालिका बनेलक जब सरकार लगे क्षमते ना रहे बजट देवे के जी जी सरकार लगे कैपेसिटी ना रहे देवे के तो ना बनाओ जब गाँव पालिका रही तो विकास हो गाँव पालिका रही तो विकास हुई आज में विकास के नाम में जीरो बा टापू बा कोनो गाँव में सड़क नहीं है कोनो गाँव में नाला नहीं के आज लोग दशा बा आज देखिए भेड़ा खोला होता तो पूरा गाँव के 25 को 30 को हर साल घर काट के लेके चल जाता कोनो निवारण करे ला प्रदीप जी ई सब बात कह के ई सब बात कह के जनता से अपने के बचे सके अपने पे जाए हम अपने काहे कहत नहीं ई सुनी जी जी सुनने का प्रयास करे की अभी बात काहे कहत है जी 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 बीरगंज महानगर पालिका सरकार जब बनेलक तो सरकार के वहाँ के व्यवस्थापन के भी काम करे के चाहिए एक्स्ट्रा बजट देवे चाहिए और जौन गाँव थपल गई जी जी नगर पालिका में जबरदस्ती गाँव के जाकर खेल गई महानगर पालिका बनावे ला तो गाँव के कम से कम वो गाँव के ध्यान देवे ला स्पेशल केंद्र ओकरा के बजट छुटाव चाहिए गाँव के जाकर बजट देख गाँव के सड़क बनाओ गाँव के नाला दगाओ बनाओ गाँव के बांध पानी निर्माण कर नगर पालिका के निर्देशित करे के चाहिए और निर्देशन देवे के चाहिए लेकिन यहाँ तक का हो गई बात हम देखे नहीं मीडिया के लोग लिखी
तो पावर हाउस गंडावा रोड बड़ा खराब हो गए लौकी गाँव ना लौकी आज हरपतगंज का अवस्था देखी मनियारी का अवस्था देखी परसौनी का अवस्था देखी लालपरसा का अवस्था देखी बेलवा का अवस्था देखी सोरनी का अवस्था देखी कितना दयनीय बा कितना बुरा बा जी 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 देखी हम सब वार्ड के बात करनी है प्रदीप जी सुनिए ना सुनिए गांव में एक किलोमीटर पिच बता दी कौन गांव में पिच बनल बा ना पड़ी से यही तो कमी बानो एक कमी के भी सुधार करे स्वास्थ्य सफाई कर्मी नहीं गए कोनो गाँव में लेकिन महानगर पर हो गई बा टैक्स तो तीरता गाँव के लोग टैक्स के दायरा में आ गई लेकिन गांव के सेवा सुविधा कुछ नहीं किया आज बुरा अवस्था बा तो ये अवस्था के महानगर पालिका के मेयर के भी ध्यान जाए के चाहिए महानगर पालिका के मेयर के भी काम करते हुए पहले गांव के ध्यान दी यहाँ तो कुछ ना कुछ विकास तो भैले पर पहले से जी जी हम समग्र वार्ड के बात कहनी है प्रदीप जी सही में जीरो पॉइंट बा सांसद लगे पैसे सरकार देखे दी सांसद तो जितना चाहता आज शहरी विकास से रोको अपने भौतिक योजना मंत्रालय से होको अपने बजट से होको हम कर रहा बनी जितना हमारे कैपेसिटी बा हमारे कैपेसिटी से ज्यादा हम कर रहा बनी हम बजट के भी अपन पर्दाफाश कर जनता के बीच में ले आए प्रेस मीट करके जानकारी कराए लॉकडाउन चलते रुकल नहीं हो सब चीज बताए हम क्या क्या कहनी क्या ना कहनी सब बताए जनता के बीच में लेकिन एमे सरकार भी चुक रहा बा और महानगर पालिका के भी ध्यान नहीं कर जात गाँव मुखी उड़ी खाली और पत्रकार लोग भी ध्यान नहीं जाए घंटागढ़ पावर हाउस टूट गए ठीक बा आज टूट गए नगर पालिका घोड़ा के अब मेंशन करो पूरा बनाओ नगर पालिका हर एक जगह के देखे काम है लेकिन गांव के बेसी देखल ध्यान बा क्या की महानगर पालिका में गांव आ गई लेकिन महानगर पालिका के गांव में ध्यान नहीं के जीरो भी मैं जीरो भी काम वहां नहीं के गांव में होको कारण की ध्यान नहीं के जाते ऐसा ध्यान जाएगा पर जी प्रदीप जी अब जैसे कि हम ही कहे के चाहते नहीं कि अपने के ध्यान नहीं के ये भी जाएगा पर वर्षा जिला के अधिकांश स्थानीय तो हमें अपने लोग के पार्टी के सरकार बा अपने खुद एगो नीति निर्माण लेवल में बानी अपने एगो निर्देशनात्मक भूमिका में बानी अपने यहाँ निर्देशन कर सकता नहीं कोनो भ्रष्टाचार होता कोनो किस्म के यहाँ अन्याय हो रहा बा कोनो किस्म के यहाँ कोनो किस्म के गलत गतिविधि हो रहा बा तो CDO SP प्रशासन सब चीज अपने के निर्देशन में चल सकता यहाँ वर्षा जिला के और महानगर पालिका के भी मेयर अपने के पार्टी के होला कारण से अपने अपन पार्टी में भी छलफल करे के खातिर अपने के पार्टी के भी बिहान के भविष्य फ्यूचर के भी बचावे के खातिर बढ़िया से अपने लोग के काम करी महानगर बढ़िया से काम करी तो कहीं ना कहीं एमे अपने लोग के भी बिहान के जनता में अपने लोग के भी जाए के बाद जनता में बीच में बिहान फेन जाए के बाद बढ़िया विकास रही तो बढ़िया से जाए बिहान जनता फेन अपने के चाहना करी आगे ले आई अगर ना बढ़िया काम हुई तो जनता अपने के रिजेक्ट कर दी प्रदीप जी हम ही कहे के चाहता नहीं एकदम अपने सत्य बात बन इमन काम ना कहिए तो जनता काय उठाई जी जी एकरो के हमरा होके या केव व्यक्ति हो को जनता में तो जनता के दुख में जनता के सुख में तो रह के पड़ी और जनता के जो विकास के काम बा वो गति बढ़ाऊ पड़ी महानगर पालिका के मेयर साहब के अमर काम बा अनुरोध करे के जी जी अमर काम बा कहे के जी जी रुआ हेला करी हेला कम करी उनका करे ना करे उनका अपन अधिकार के काम हो अपन सोच के काम उनका अपने अपन निर्णय करे के अपन उनका राइट बा हम तो निर्णय में ना बैठ सकता नहीं हम उनका अनुरोध कर सकता नहीं और पटक पटक अनुरोध कैले बनी गाँव में ज्यादा ध्यान दी अभी ना गाँव में ध्यान देवल जरूरी बा गाँव के स्थिति बहुत बुरा बा क्या कि महानगर पालिका में गाँव सब आ गई आज चाहे घूमी हो को चाहे अपने के हम पटक पटक हम ऐसा देखा होता नहीं कि जन पुराना जन थपाइल गांव सब रहे जन महानगर पालिका में थपाइल वो गांव के अवस्था बहुत दयनीय बा जी प्रदीप जी अवश्य अपने लोग ध्यान पहुंचाए हम गांव में जानी छाती हमारे छाती में दर्द होला हमारा पीड़ा होला जी प्रदीप जी आज हम चाह के भी नहीं कर सकते हमारा बजट देखे की हम करी मन तो बहुत हमारा लेकिन आज हमने लगे बजट सरकार निगेटिव प्रदीप जी हम अपने के ही जंग रोके हमने कार्यक्रम के अंत अंत रही आगे बनी प्रदीप जी मनोज जी कंप्लीट कर दी चार चार करोड़ संघीय सांसद के निर्वाचित सांसद के पैसा सरकार दिलक चार करोड़ में मीडिया ध्वजी उड़ा दल हमने की सांसद के पैसा कह दिया मीडिया तो हम निरंतर मानी कर रहा कि सांसद के पैसा कह दिया प्रदीप जी हमने कार्यक्रम के अंत अंत और आगे बनी बहुत अच्छा बात होत रहा लेकिन हम अपने के ही लंग रोके हमने के स्टूडियो के घड़ी 8 बजा दिले बा अपने हमने संगे जुड़ देनी है बहुत बहुत धन्यवाद और जनता के अपने आवाज उठनी है अपने विद्युत प्राधिकरण के जवन दबाव देनी है अपने लोग अपने के पार्टी अपने लगायत के अपने के टीम के तमाम टीम के हमने के जनता के तरफ से और रेडियो के तरफ से भी अपने लोग के बहुत बहुत बधाई बा अगला दिन में ऐसे ही जनता के सेवा खातिर जनता के पीर मार्का खातिर अपने लोग आगे बढ़ी कहत हम अभी अपने से विदा होकेम धन्यवाद
और हमनी के तमाम भोजपुरी श्रोता लोग भी जवन हमनी के रेडियो अभी सुन रहल बानी, रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल अभी तक सुन रहल बानी, सुन के सहयोग कैनी है और ये बातचीत में अपने लोग पहुंचावे खातिर सत्येंद्र जी हमनी के सहयोग कैनी है, उनकरा के भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम से हम अपने ही एक दोस्त मनोज पटेल विदा चाहे, अगला कार्यक्रम में हम फिर बिहान अपने के सुबह यह कार्यक्रम लेके उपस्थित होके के बात करत, हमें विदा दी, नमस्कार प्रणाम। गाँव शहर सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सानवी 96.4 रेडियो सानवी टाइम्स है।